لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك। आठ जुलहज को मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम से हज के अरकान शुरू हो जाते हैं। सूरज तुलू होने के बाद हज की नियत की जाती है और नमाज फजर के बाद हरम की हुदूद में ही एहराम बांधा जाता है। एहराम की नियत करके तलबीह यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं। इसके बाद हज्जाज जोहर से पहले मस्जिदुल हराम से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर मिना पहुंचते हैं, जहां जोहर असर मगरिब और इशा की नमाजें अदा की जाती हैं। मिना को खैमों का शहर भी कहा जाता है। यहां आज़मीन हज रात खैमों में कयाम करते हैं और अगले दिन नमाज फजर अदा करके सूरज तुलू होने के बाद पैदल तकरीबन 13 किलोमीटर या रोड के जरिए तकरीबन 16 किलोमीटर दूर अरफात की तरफ रवाना हो जाते हैं। 9 जुलहज यानी हज के दूसरे रोज मैदान अरफात में नमाज जोहरैन अदा की जाती है और आज़मीन हज अपने रब के हुजूर बख्शिश की दुआ करते हैं। मैदान अरफात में कयाम हज का रुकन आज़म है। सूरज गरूब होने तक अरफात में कयाम के बाद हज्जाज 13 से 14 किलोमीटर दूर मजदलफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। आज़मीन हज यहाँ मुजदलफा में मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करते हैं। रात भर यही मुजदलफा में कयाम करने के बाद जमी के लिए कंकरियां भी यहाँ से ही इकट्ठी की जाती हैं। अगले दिन फजर पड़ने के बाद मिना रवानगी से कबल थोड़ी देर मुजदलफा में ही कयाम किया जाता है। 10 जुलहज यानी हज का तीसरा दिन सुबह का उजाला फैलते ही आज़मीन मिना की तरफ जुमरा अकबा को कंकरियां मारने यानी जमी के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां कुर्बानी से कबल शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। जमी के बाद मिना में ही पहले कुर्बानी की जाती है, जो कि एक बकरा या फिर ऊंट या गाय का 7वां हिस्सा है। फिर बाल कटवाने के बाद एहराम खोल दिया जाता है, जिसके बाद एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती हैं और हज्जाज अब सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। ग्यारह और बारह जुलहज की रातें हज्जाज मिना में वापस कायम करते हैं। जोहर की नमाज के बाद दोबारा शैतान को कंकरियां मारने के लिए निकल जाते हैं। जवाले आफ्ताब के बाद सबसे पहले जमराए उला, उसके बाद जमराए वसती, फिर जमराए अकबी पर 7-7 कंकरियां मारी जाती हैं। 12 जुलहज को गरूबे आफ्ताब से कबल हज्जाज मिना से रवाना हो जाते हैं। तेरह जुलहज की सुबह सादिक से आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुंचते हैं, जहां तवाफ़े ज़ियारत और इस्तिलाम यानी हजरे असद को बोसा करके मस्जिदुल हराम से रवाना हो जाते हैं। यूं तवाफुल विदा के साथ ही हज के अरकान मुकम्मल हो जाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला